हाय गाइज गुड मॉर्निंग एवरीवन आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में एग्जाम पैटर्न ऑफ बोथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड आईआरएमएस इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम निकालने वाला है दो में इफ़ यू नॉट सीन दैट वीडियो ऑलरेडी जिसमें पी में नोटिफिकेशन की डिटेल्स हुई दे चुके हैं Uh, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं आई एम श्योर इफ यू यॉचिंग दिस वन तो आपको उसका आइडिया ऑलरेडी लग चुका है अब क्वेश्चन ये आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और आईआरएमएस का एग्जाम जो है उसमें एग्जाम पैटर्न कितना सिमिलर है कितना डिफरेंट है नंबर वन एंड सेकेंडली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल्स मेरे पास आते हैं जो कि एग्जाम पैटर्न को लेके उतना क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं दस मिनट में प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के एग्जाम पैटर्न में आपको क्लियर कर दूंगा बोथ फॉर आई आर एम एस एज वेल एज फॉर सिविल सर्विसेज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स अब दोनों ही एग्जाम्स तीन स्टेजेस में होंगे प्रीलिम्स मेन्स एंड इंटरव्यू प्रीलिम्स दोनों एग्जाम का सेम होगा मतलब जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिलिम्स होगा उसी पेपर को हम आई आर एम एस के कट ऑफ निकालने के लिए यूज करेंगे इसका एक अलग एग्जाम नहीं होगा इंटरव्यू आईआरएमएस का अलग होगा और मेंस भी आईआरएमएस का अलग होने के चांसेस हैं। मेंस अलग होगा या नहीं होगा इसका क्लैरिफिकेशन सेकेंड फरवरी को मिल जाएगा उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पैटर्न में क्या क्या कवर होता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स इफ यू स्टार्ट विथ प्रीलिम्स प्रिलिम्स में दो पेपर हैं सेकेंड पेपर को हम पॉपुलरली सी सैट के नाम से जानते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बट सिविल सर्विसेज यूपीएससी उसको जीएस पेपर टू के नाम से बोलता है जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू दोनों में ही हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं टू हंड्रेड मार्क्स के दोनों में ही थर्टी थ्री परसेंट नेगेटिव मार्किंग है मतलब दो नंबर का अगर एक क्वेश्चन है और आपने गलत किया तो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन नेगेटिव मार्क्स आपके लगेंगे इतने नंबर कट जाएंगे सही किया तो दो नंबर आपको मिल जाएंगे इसको हम बोलते हैं थर्टी थ्री परसेंट नेगेटिव मार्किंग एक डिफरेंस है दोनों पेपर्स में वो ये है कि जो आपकी मेरिट बनती है फॉर मेंस एग्जामिनेशन दैट इज मेड ओनली बेस्ड अपॉन जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू जो कि सी सैट है दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब आपको बस थर्टी थ्री परसेंट क्वालिफिकेशन मार्क्स लेके आने हैं दो सौ नंबर का है थर्टी थ्री परसेंट सिक्सटी सिक्स मार्क्स हो गए सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन के आसपास नंबर आ गए मतलब आपका सी सैट क्लियर हो गया जीएस पेपर टू क्लियर हो गया अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको यूपीएससी साइड में रख देता है और उसके बाद आपकी मेरिट बनती है बेस्ड अपॉन जीएस पेपर वन ओके ये याद रखना बहुत जरूरी है अब यहां पे जो ट्रैप में स्टूडेंट्स फंस रहे हैं वो ये है कि ये क्वालिफाइंग है तो स्टूडेंट्स को लगता है यार ये तो आसान है या फिर ये निकाल लेंगे दो में से साठ नंबर ही तो आने इंग्लिश में ही खींच देंगे बट अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप वेस्टिंग अपर अटेम्प्ट क्योंकि ये क्लियर नहीं होता है ये कैट लेवल का पेपर आने लगा है जिसमें दो घंटे में टू आवर्स का टाइम आपको मिलता है करने के लिए, अगर इसमें सिक्सटी सेवन मार्क्स नहीं आए तो आपकी मेरिट में आने का कोई चांस ही नहीं है डजेंट मैटर कि आपके जीएस में नाइनटी परसेंट मार्क्स भी होंगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे ओके okay? ये एग्जाम पैटर्न में स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी जरूरी है नीचे आते हैं मेंस की मेंस की तरफ को मैंने IRMS और CAC दोनों का अलग अलग बताया है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए सबसे पहले आई से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसका मेंस पार्ट बहुत छोटा है उसमें एक ही ऑप्शनल आपसे पूछा जाएगा आई स्पेसिफिकली टीच कॉमर्स ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल बोलते हैं उसको हमारी स्पेशलाइजेशन में uh, उसमें है तो इसीलिए मैंने वो ऑप्शनल आपके सामने रखा है देर आर टोटल ऑफ फोर ऑप्शनल जो बाकी तीन ऑप्शनल है वो इंजीनियर्स के लिए हैं एक ऑप्शनल के अंदर दो पेपर होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू इसीलिए मैंने यहां पे दो पेपर लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं दो ऑप्शनल होंगे ऑप्शनल एक ही होगा इधर कॉमर्स ऑप्शनल और एनी अदर वन ऑप्शनल जिसमें कि दो पेपर होंगे 250 नंबर का एक पेपर होगा दो पेपर हुए तो 250 प्लस 250 500 नंबर आपके यहाँ पर बन जाएंगे पेपर इज टोटल ऑक्स फाइव हंड्रेड मार्क्स ओके एट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको कोई भी पांच अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें कुछ लिमिट्स होती है फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आर कंपल्सरी ऐसी कुछ लिमिटेशन है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे बट इन शॉर्ट आठ क्वेश्चन में से पांच आपको लिखने होते हैं और इसकी जो लास्ट स्टेज होगी वो इंटरव्यू होगी उसके मार्क्स अभी क्लियर नहीं है कि आई आर एम एस कितने मार्क्स अलॉट करेगा 275 भी हो सकते हैं 275 से कम भी हो सकते हैं बिकॉज यहां पर जो मेन्स है वो खाली 500 मार्क्स का है 250 मार्क्स का पेपर वन 250 मार्क्स का पेपर टू बस यही है आपका पूरा आई आर एम एस का पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कंपेयर टू सिविल सर्विस एग्जाम ये कुछ भी नहीं है बहुत छोटा है एंड दैट इज वेदी अपॉर्चुनिटी लाइज फॉर ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइमर्स हैं रिपीटर्स हैं जिनको जो बर्न आउट हो चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर प्रेशर अभी अभी कॉलेज से निकले हैं तो यूपीएससी की लेवल की तैयारी नहीं है सिविल सर्विसेज की तो आईआरएमएस को यूज कर सकते हैं टू टेक ग्रेड ए लेवल की आपकी जॉब लगेगी टेकलिटी मिलेगी काम करने के लिए में देन यू कैन टारगेट सिविल सर्विसेज एज वेल ओके अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कि है सिविल सर्विसेज का सिविल सर्विसेज में टोटल नौ पेपर होते हैं हमारे यहां पे दो पेपर थे इसी तरह से यहां पे नाइन पेपर्स हैं नाइन पेपर्स में से दो पेपर हमारे ऑप्शनल के निकल गए इट कैन बी एनी ऑप्शनल टोटल आपके पास आई थिंक ट्वेंटी वन अपॉर्चुनिटीज या फिर ट्वेंटी वन चॉइस होती हैं जिसमें से यू हैव टू पिक एनी वन ऑप्शनल ओके वन ऑप्शनल टू पेपर्स फ्रॉम दैट वन ऑप्शनल दो निकल गए सात बचे जो बचे हैं उसमें से दो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं वन इज इंग्लिश विच इज कंपल्सरी एंड अदर वन इज इंडियन लैंग्वेज जो कि हिंदी हो सकता है मराठी हो सकता है बंगाली हो सकता है तमिल हो सकती है मलयालम हो सकती है कुछ भी हो सकती है एनी इंडियन लैंग्वेज उसकी भी लिस्ट यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में डाली है तीन सौ नंबर का होता है ये वाले जो ऑप्शनल पेपर्स हैं ये ढाई सौ के होते हैं एक ढाई सौ का मतलब दो पाँच सौ के बट दीज टू क्वालिफाइंग पेपर्स आर थ्री हंड्रेड मार्क्स ईच और आपको यहाँ पे पच्चीस परसेंट लेके आने थर्टी थ्री नहीं लेके आने ट्वेंटी फाइव लेके आने मतलब सेवेंटी फाइव मार्क्स थर्ट थ्री हंड्रेड का आधा वन फिफ्टी वन फिफ्टी का आधा सेवेंटी फाइव मार्क्स सेवेंटी फाइव मार्क्स आ गए अब ये बाहर चले जाएंगे इक्वेशन से आप इनका कोई लेना देना नहीं है मेरिट क्रिएट करने में सेवेंटी फाइव नहीं आए तो फिर और बाकी पेपर्स भी चेक नहीं होंगे आपका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा यू हैव टू राइट इट अगेन नेक्स्ट ईयर ठीक है तो बहुत जरूरी है कि इनको भी सीरियसली लें थोड़ा सा टाइम इनमें लगाएं स्पेशली इफ यू आर वीक इन एनी इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में वीक हो अब आते हैं थर्ड एलिमेंट पे विच इज विच कंसिस्ट ऑफ फाइव पेपर्स जीएस वन टू जीएस फाइव नॉर्मली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो नोटिफिकेशन देखोगे उसमें जीएस वन इज एस बट मैंने जीएस वन पेपर टू को लिया है और एस को जीएस फाइव लिया है बिकॉज ये नॉर्मली पार्लेंस में यूज़ होता है इससे कोई डिफरेंस नहीं होता सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह सकते हैं जीएस वन टू थ्री फोर प्लस एस सारे ही ढाई सौ नंबर ईच के हैं 250 नंबर का एक पेपर है टोटल पांच हैं, 1250 के ये हमारे पेपर हो गए 1250 सौ यहां से आपको स्कोर करने हैं 1250 में से और 500 हमारे ऑप्शनल के थे तो टोटल हमारा जो मेंस है वो 1750 का होता है 1750 मार्क्स ये मार्क्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं बाद में डिस्कस करूंगा कट ऑफ्स के बारे में तब ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ठीक है ये हमारा थर्ड एलिमेंट है और फोर्थ एलिमेंट है इंटरव्यू विच इज हेल्ड फॉर टू सेवेंटी फाइव मार्क्स यू क्वालिफाई फॉर मेन्स मेन्स क्वालिफाई करके इंटरव्यू में गए तब आपका इंटरव्यू होगा वन सेवन फाइव जीरो प्लस टू सेवन फाइव तो ये बनता है हमारा टू जीरो टू फाइव दो हजार पच्चीस नंबर का पूरा पेपर होता है इंक्लूडिंग मेन्स एज वेल एज इंटरव्यू यहां पर आई आर एम एस में इन कंपैरिजन टू दैट 500 नंबर का पेपर हो रहा है प्लस इंटरव्यू इंटरव्यू 275 का भी होता है तो 775 हमारे बनते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन आई आर एम एज वेल एज सिविल सर्विसेज आपको ये सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं आपको, है, आपको ये सब नहीं पढ़ना है आपको बस कॉमर्स ऑप्शनल या फिर कोई भी एक ऑप्शनल जो कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल है उसमें से कोई एक लिखना है जिसके दो पेपर होंगे प्लस बाद में इंटरव्यू की तैयारी करनी है यू आर एबल टू क्लियर मेन्स एग्जामिनेशन ऑफ आई आर एम एस ओके तो दोनों के पैटर्न में क्लैरिटी आई होप आ गई है कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्किन इन दमेंट सेक्शन बिलो प्लस ये भी क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों के पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएटेड है तो अगर इफ यॉट सर्टन अबाउट सिविल सर्विसेज तैयारी उतनी नहीं है फर्स्ट टाइमर हो या फिर दो तीन बार दे चुके हो अभी थक चुके हो अभी थोड़ा ब्रेक लेके फिर देना चाहते हो एग्जाम को दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी यहां पे काफी अच्छा स्कोर करके आप एग्जाम निकाल सकते हो ठीक है एग्जाम पैटर्न को लेके कोई भी और डाउट होगा वेदर इट इज प्रम्स और मेन्स फील फ्री टू आस्फिर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो मैं उसके आंसर या तो वहीं पे कर दूंगा या फिर एक और वीडियो बना के एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग डाउट है तो ओके जो कोर्स है हमारा आई आर एम एस का दैट इज ऑलरेडी लाइव ऑन अनुजिंदल डॉट इन यहां पर जाके वेबसाइट पर जाके मैं नाम लिख देता हूँ वेबसाइट पर जाके कोर्स डिटेल्स देख सकते हो फॉर आई आर एम एस एज वेल एज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल ऑफ सिविल सर्विसेज दोनों के ही कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं बोथ ऑफ दर गोइंग ऑन वी स्पेशलाइज ओनली इन कॉमर्स ऑप्शनल एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं या बहुत कम पढ़ा रहे हैं बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं जिस लेवल का एग्जाम होता है उससे एक लेवल ऊपर ही पढ़ा के चलेंगे सो so दैट uh, जिससे कि आपको बहुत ईजी लगे एग्जाम जब आप एग्जाम देने जाओ और कॉन्फिडेंटली एग्जाम को अटेम्प्ट भी कर पाओ ठीक है फॉर एनी क्वेरीज फील फ्री टू पुट डाउन योर थॉट्स इन दी कॉमेंट सेक्शन बिलो एल सी यू अगेन वेरी सुन ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय जय हिंद